कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉस्फेट, यानी एनहेंसमेंट मॉस्फेट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका ग्राफ ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले जब हम ड्रेन गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा ई मॉस्फेट होता है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, इसलिए इसको एनहेंसमेंट मॉस्फेट बोलते हैं। एनहेंसमेंट मतलब इंक्रीमेंट, और वो मिनिमम वोल्टेज गेट पे हम वो मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड करें जिससे क्या होगा कि हमारा सर्किट वर्क करना स्टार्ट करे, उसको वो बोलेंगे हम गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो कि ये जो ब्लैक लाइन है ये मिनिमम वोल्टेज शो कर रही है जिस पे हमारा सर्किट वर्क करता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे गेट और सोर्स की। जैसे जैसे हम गेट सोर्स की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, यानी कि प्लस वन वोल्ट किया तो क्या हुआ, यानी कि हमारे अगर हमने वोल्टेज इंक्रीज की तो हमारा सर्किट क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और अगर हमने वोल्टेज और इंक्रीज की, पॉजिटिव 2 वोल्ट कर दी, तो ड्रेन करंट ज्यादा फ्लो होगा। जैसे जैसे हम गेट और सोर्स की वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारा एनहेंसमेंट मोड वर्क करता है, इंक्रीमेंट मोड वर्क करता है। और जैसे प्लस टू से प्लस थ्री गए, ड्रेन करंट अगेन इंक्रीज किया, प्लस फोर आई, अगेन इंक्रीज किया। जैसे जैसे हम अपने गेट के फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करते हैं, ड्रेन करंट ज्यादा ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, और इसके पर्टिकुलर टाइम बाद ये स्टेबल हो जाता है। इस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज या सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं। ये तो थी हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट और जो हमारी सोर्स में जो वोल्टेज प्रोवाइड की है, और जो गेट जो हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज होती है और ड्रेन करंट होता है उसके बीच में ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमने पहले की थी वो थी हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो थी हमारी ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में। ये है हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो हमारे गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है वो मिनिमम वोल्टेज, जहां से हमारा गेट और सोर्स के बीच में वो वोल्टेज जहां से हमारे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। और यहाँ पे जब हम गेट पे मिनिमम वोल्टेज थी, जब हमारे चार्ज नियर अबाउट फ्लो होना स्टार्ट हुए थे, इसलिए इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला गया है। जैसे जैसे हम गेट और सोर्स की वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यानी गेट पे फॉरवर्ड बायस करते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, ड्रेन करंट भी इंक्रीज होता है। जैसे कि ये लाइन शो कर रही है, हम गेट और सोर्स की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो ड्रेन करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये शो करता है हमारा, ये हमने यानी कि हमारे यहाँ पे ड्रेन करंट ऑन है तो गेट सोर्स वोल्टेज, यानी जहाँ पे हमने गेट सोर्स वोल्टेज ऑन है तो ड्रेन करंट भी ऑन है। लेकिन अगर हम अपनी गेट और सोर्स वोल्टेज को जीरो कर देंगे तो हमारा जो क्या होगा, सर्किट होगा वो वर्क करना बंद कर देगा, वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। हम ड्रेन करंट को इस तरह से शो करते हैं, जो होता है के VGS यानी गेट सोर्स वोल्टेज माइनस VGST गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इन दोनों के डिफरेंस को और इसके स्क्वायर को, वो इससे हमारा ड्रेन करंट प्रोड्यूस होता है। के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसके सिंबल्स के बारे में बात करें, अगर हम इसके स्कीमेटिक सिंबल्स देखें, जैसे कि हम एन चैनल ई मॉस्फेट देखते हैं, इसके थ्री टर्मिनल्स होते हैं, एक ड्रेन, एक सोर्स और गेट। कभी कभी क्या होता है कि हमें सबस्ट्रेट को एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए उसको कई बार एक्स्ट्रा टर्मिनल देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिसको SS से डिनोट करते हैं। वैसे ऐसा कम ही होता है, और इसका जो नॉर्मल सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है एन चैनल का। ये जो एरो है ये शो कर रहा है हमारे एन चैनल को, ये अंदर की साइड होता है, और बाकी टर्मिनल्स वही रहेंगे ड्रेन सोर्स और गेट। इन तीनों में गैप है, ये देखो इसमें और इसमें गैप है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ड्रेन और सोर्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में कोई चैनल नहीं होता। चैनल इनकी जब वर्किंग होती है उस टाइम बनता है, इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया जाता है। नेक्स्ट है पी चैनल ई मॉस्फेट, एनहेंसमेंट मॉस्फेट। पी चैनल
और एन चैनल में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो एरो है, जो सबस्ट्रेट का एरो है, एन चैनल में इनवर्ड डायरेक्शन में था और पी चैनल में आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सेम कंडीशन, ये जो ये तो हम जब एक्सटर्नली सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, और वैसे इसका नॉर्मल सिंबल ये होता है जिसका एरो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है जो कि पी चैनल को शो करता है। ये है हमारा स्कीमेटिक सिंबल्स ऑफ ई मॉस्फेट।